की तस, यानी कि एनडीए 131 सीटों के साथ लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर आपको बता दें, संजय सरावगी की जीत हो गई है दरभंगा शहर से। भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी जीत दर्ज की है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव जीते। तो अब जीतने और हारने वालों का भी आंकड़ा सामने आ रहा है। बेनीपुर से जेडीयू के विनय चौधरी की जीत हो चुकी है। तो ये तीन बड़े नाम, जाले से बीजेपी उम्मीदवार जीवेश कुमार की जीत हुई है। जाले से कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। केवटी से बीजेपी उम्मीदवार मुरारी मोहन झा की जीत हुई है। केवटी पर आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने दिग्गज अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतारा था, लेकिन वहां से उनकी हार हुई है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव जीत चुके हैं और ये जीतने हारने वालों का आंकड़ा भी लगातार सामने आ रहा है। बेनीपुर से जेडीयू के विनय चौधरी की जीत हुई है। तो इसी के साथ आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी स्क्रीन अब जीतने और हारने वालों के आंकड़ों के साथ ही तब्दील होती भी चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। लेकिन अभी तक के जो रुझान है, यानी कि शाम 4 बजे तक, उसके हिसाब से 131 सीटों के साथ एनडीए लगातार बड़ी बढ़त की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ। 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, उससे कहीं ज्यादा एनडीए के पास इस समय जनसमर्थन है। लेकिन इसमें भी जो सबसे नोट करने वाली बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ बराबरी पर लड़ने के बावजूद बीजेपी ने यहां पर शानदार जीत दर्ज की है जेडीयू के मुकाबले। और जैसा कि हम आपको लगातार दिखा, महागठबंधन में देखिए आरजेडी की पोजीशन 63 है, 63 सीटों पर कांग्रेस 21 सीटों पर है, जबकि अगर जेडीयू की बात करें तो वो 48 सीटों पर और बीजेपी 75 सीटों पर, बीजेपी 75 सीटों पर। तो इसके मायने और मतलब क्या निकाले जाए, क्योंकि 50 के अंदर अगर जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सिमटती हुई दिखाई देगी तो इसका क्या मतलब हुआ।